हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतकी का जो चैप्टर है, हमारा यूनिट है उसका तीसरा चैप्टर, यानी कि वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव में आज हम देखेंगे स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है। देखिए, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा दो पॉइंट के लिए निकालेंगे, यानी कि दो बिंदु आवेशों और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो बिंदुओं के कारण स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं कि वी इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यों होता है। ठीक है, और जो किसी वस्तु के लिए किया गया कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है या फिर ऊर्जा के बराबर। तो ये हो जाएगा V इजिकल टू यू अपॉन क्यू। ठीक, अगर हम यहाँ पर इसको कर दें कैलकुलेट Q इंटू V, ठीक, और अगर यहाँ पर हम V का फॉर्मूला पुट और कर दें तो ये हो जाती है हमारी स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा। सपोज कि हमने कोई चार्ज रखा हुआ था तो बिंदु आवेश के कारण विभव होता है 1/4πε0 q, और इसको हम मान लेते हैं कोई और दूसरा चार्ज है, इसको ले लिया हमने q1 और इसको ले लेते हैं, इसको q1 मान लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं q2, तो ये हो जाता है / r। तो स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा जो होती है वो इतनी होती है 1/4πε0 q1 q2 / r, ये होती है स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा। ठीक, तो देखिए ये तो एक शॉर्ट ट्रिक समझ लें या फिर एक लॉजिकली क्वेश्चन समझ लें कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमको इसका डेरिवेशन करना है। हालांकि ये डेरिवेशन हो चुका, ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा समझनी है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये प्लस Q1 चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज़, जब ये दो चार्ज आपस में एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाएंगे, दोनों धनावेश हैं तो ये प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। ठीक है, एक धनावेश है एक ऋण आवेश है तो ये आकर्षण का बल लगाएंगे। अगर एक धन है दूसरा एक ऋण है दूसरा ऋण है तो ये प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा कॉम्पिटिशन वाला तरीका हो गया। हम जरा चलते हैं उधर की तरफ, अब कोने पर। तो सपोज किया हमने ये प्लस Q1 और प्लस Q2 चार्ज रखे हुए हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, सपोज किया ये r मीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर, अब देखिए इस r मीटर की दूरी पर सबसे पहली चीज, इनके ऊपर विभव कितना होगा। तो विभव जो होता है, यानी कि पोटेंशियल विभव, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, और ये W किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर, हमने इसको कर लिया। ठीक, हालांकि इसका डेरिवेशन अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जब मैंने कराया था तो उसके अंदर एक लाइन आई थी, वहीं से ये हो चुका था, लेकिन अभी इसका मैं पूरा करा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर विभव कितना होगा, V होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों के बीच में कुछ बल लग रहे होगा, तो इनके बीच में लगने वाला बल कितना है, F = 1/4πε0 Q Q0/r, यानी कि हमने Q1 Q2 लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब इस आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ कार्य हमको करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य कितना होता है, जो स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि U - F dx। ठीक, या हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई हमने बिंदु रख लिया। ठीक है, अब हमें स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा करनी है, लेकर आना है इस प्लस क्यू आवेश को इस पॉइंट तक लेकर आना था, प्लस क्यू टू आवेश को इस पॉइंट तक। तो सपोज कि हमने यहाँ तक ये अभी dx दूरी चली, और अनंत की जो हमने दूरी मानी है वो मान ली हमने कितनी, x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में से अल्पतम कार्य कितना करना पड़ेगा, dw। तो ये dw किसके बराबर हो जाएगा, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा के। कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम, अनंत से r तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस f का मान उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम इसका मान इसके अंदर हमको रखना है, तो f का मान उठाएंगे और ये हो जाएगा हमारा अनंत से लेकर r तक। ठीक, f की वैल्यू माइनस, ये क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों ही आवेश धनावेश हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो जब इस चार्ज को यहाँ तक लाया जाएगा तो ये क्या होगा, क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो क्षेत्र के विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं तो उसको किस में लेते हैं, माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 q1 q2 / r² और यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे Q2, क्या कर लेंगे Q2, क्योंकि जिस चार्ज को क्षेत्र के विरुद्ध लाया जाता है उसमें जो कार्य होता है और आवेश का अनुपात, ये विभव कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा dx, और यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, तो ये x लेना ना, क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ चार्ज है प्लस Q2, इस बिंदु P तक तो हमें लेकर आना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही हम यहाँ से कॉमन लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2, ये तो हमें मिल जाएगा कॉमन,
तो दूसरा यह बचेगा हमारा एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, कहाँ से लेके आए, अनंत से आर तक। देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर और मैंने वहाँ पर एक्स की पावर माइनस टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर और उसके अंदर फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मैं उसको जहाँ पर हर में थी मैं उसको अंश में लेकर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की पावर माइनस टू। अच्छा मैंने ऐसा करा क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करना पड़ता है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको फॉर्मूला लगाते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स से, तो हमको मिलता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इससे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट हमारी कहाँ तक हो जाएगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ले लिया क्यू वन और इसको ले लिया क्यू टू, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये माइनस चाहिए तो चलेगा साथ में, ठीक है, माइनस बचेगा हमारा एक्स, ठीक। ये हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर आर तक, यहाँ पर एक्स की पावर माइनस वन बचता है और नीचे माइनस बचता है। तो जैसे हम माइनस वन को नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस क्या करेगा, बचेगा ये माइनस, इसको ऐसा करके ये प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन, अब ये क्या है, एक बार आर रखेंगे इसको और माइनस लगाएंगे और एक बार हम क्या कर देंगे, लिमिट खोल ही देता हूँ, ठीक है। एक बार इसकी लिमिट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट खोलेंगे तो एक बार एक्स की जगह आर रखेंगे और दूसरी बार कितना रखेंगे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और ये वाला टर्म क्या होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये बचेगा हमारा स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा, यू इज इक्वल टू कितनी बची, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, या हम स्मॉल आर कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो स्मॉल आर ले लें, यहाँ पर हम स्मॉल आर लेके चल सकते हैं क्योंकि स्मॉल आर हमने वहाँ पर लिए, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो गया। तो ये हो गया हमारा स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इस पर दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा